अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कबीर जी, टूबी का जो भी फैसला होगा हम आपको बता देंगे। अच्छा तो मैं चलता हूँ फिर। हमें ये रिश्ता स्वीकार है कबीर। लेकिन रूबी, इस समय हमें सबसे ज्यादा जरूरत एक सच्चे दोस्त की, और वो सच्चा दोस्त कबीर है। शायद समय के साथ आप दोस्ती में ही प्यार ढूंढ लें। तुम जो मेरे परिवार के लिए कर रहे हो ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब जो कुछ भी होता है ना वो अच्छे के लिए होता है, और राम जी की इच्छा के अनुसार होता है। आज जन्माष्टमी की पूजा के बाद रूबी और कबीर की सगाई करा देते। अच्छा वरदान, मैंने सुना है कालिंदी की तबीयत खराब है, क्या हुआ उसे? हाँ, वो डॉक्टर ने बताया कि उसे नर्व डैमेज हुआ है, वो ना बोल पा रही है ना चल पा रही है। दवाइयाँ चल रही हैं उसकी, प्रार्थना करो कि जल्दी ठीक हो जाए। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। क्या मैं एक बार कालिंदी से मिल सकता हूँ? क्या है कि रेगुलर म्यूजिक क्लास देता था, एक बार देख लेता। हाँ। कालू, ए कालू। कालू तुम थकती नहीं हो क्या, रोज रोज नए नए ड्रामे करके? वैसे तुम्हें एक खुशखबरी देनी थी, रूबी ने रिश्ते के लिए हाँ बोल दिया है, यानी कि इस घर का दामाद बनने वाला हूं मैं। वरदान तो कह रहा था कि तुम जिंदा लाश बनी बैठी हो, आज पहली बार देख रहा हूं लाश को लात मारते हुए। बढ़िया है। खैर कोई बात नहीं, तुम ही अपना नाटक ना मेरी शादी से पहले खत्म कर देना। क्या है कि लड़के वालों की तरफ से नाचने के लिए अकेली तुम ही हो। चलता हूं।
मेरे जले पर नमक छिड़क कर बहुत खुश हो रहे हो ना अभिनव? तो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मैं मेरे मकसद में कामयाब नहीं हुई तो मैं तुम्हें भी जीतने नहीं दूंगी। मेरे साथ खेल खेलने की कीमत तुम्हें अपनी जान से चुकानी होगी। मुसीबत हो गई। अगर गलती से भी मेरा चश्मा चेहरे से हट गया तो सब देख लेंगे कि मेरी एक आंख में लेंस है और एक में नहीं। एक पल में मेरा पर्दा फाश हो जाएगा कि मैं देख सकता हूं। रूबी, कभी किम, एक दूसरे को अंगूठी पहनाओ। We'll be right back.
अभिनव, आज तुम भले ही रूबी से सगाई तो कर लोगे, लेकिन उससे शादी करने के लिए तो तुम जिंदा ही नहीं बचोगे। एक स्क्रू पे झूमर टिका हुआ है और उसे भी मैं ढीला कर दिया हूँ। एक स्क्रू पे भला कब तक टिकेगा 80 किलो का झूमर? एक घंटा, दो घंटा, अरे ज्यादा से ज्यादा 3 घंटा, उसके बाद। बहुत बढ़िया, लेकिन एक मिनट, जहाँ पर झूमर है और जहाँ लड़का लड़की की सगाई होगी, ये ठीक ऊपर नीचे है ना? हाँ बिल्कुल नीचे ही, ऊपर नीचे। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। खुश रहो। दामाद जी, ये आपके लिए हमारी तरफ से। थैंक यू। तुम नहीं सुधरोगी कालंदी। इसका मतलब कालंदी, तुमने ही इस झूमर के साथ कुछ छेड़छाड़ की है, और अगर ये झूमर का वोल्ट नीचे आ गया है तो झूमर किसी भी पल नीचे गिरने वाला होगा। सॉरी कालंदी, लेकिन आजकल मेरे अच्छे दिन चल रहे हैं और तुम्हारे बुरे। वरदान, एक फैमिली फोटो होनी चाहिए, नहीं? हाँ बिल्कुल। तुम भी आओ ना, तुम्हारे बगैर तस्वीर कहाँ पूरी होगी? हम दुलारी को बुला लेंगे, वो खींच लेगी। अरे माँ कोई बात नहीं, ये फोटो मैं ले लेता हूँ, अगली फोटो वरुण ले लेगा। एक काम करता हूँ, वरदान तो जाकर सीधा झूमर के नीचे बैठ गया। नहीं नहीं नहीं, अगर वरदान मर गया तो ये दौलत पाने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। अरे कबीर, तुम भी थोड़ा स्माइल कर लो। पापा, हम तो कपड़े बदलने गए थे, आप तो हमारे बिना ही फोटो
कीजिए। मीठी के बिना कभी फोटो हो सकती है कोई? चलो जाओ मम्मी के पास खड़ी जाओ। Very nice. एक मिनट, वो कान्हा जी की मुरली का पंख गिर गया है, हम लगा कर आते हैं। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दो से नए नाम लाइक के सारे शानदार एपिसोड्स। रूबी, ये कैसी आवाज थी? कुछ गिरने की आवाज थी क्या? जो मर गिर गया कभी, भैया बाल बाल बचे, भाभी ने उनको बचाया। तुम दोनों ठीक हो? क्या हुआ वरदान, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? बहुत जोर से आवाज आई थी, सब ठीक है ना? वरदान जी, आप ठीक तो है? हाँ मैं ठीक हूँ। अरे बाप रे, झूमर अगर साले साहब के ऊपर गिर जाता तो? लेकिन ये झूमर गिर कैसे गया? कल सफाई किसने की? मुकेश? मुकेश तो घर चला गया। अरे ऐसे कैसे माँ, हम अभी उससे बात करते हैं। और स्क्रू ढीला हुआ भी है तो उसने ध्यान क्यों नहीं दिया? अरे मुकेश को छोड़ो, मुझे को लगा कि हाथ पर चोट लगी, खून निकल रहा है उसमें से। तुम ठीक हो? कीर्ति, तुम सच में ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना बेटा? हाँ माँ, हम ठीक हैं।
बहुत धन्यवाद काला जी। लेंस जैसा दिख रहा है लेकिन सफेद रंग का।